अच्छा क्या करती हो, कारोबार कब से कर रही हो ये बताओ। ये 2 महीने में। 2 महीने क्यों? 2 महीने में। इससे पहले क्या करती थी? इससे पहले झाड़ू पोछा इधर ही फ्लैटों में करती थी झाड़ू पोछा। हाँ। तो फिर ये कारोबार क्यों शुरू कर दिया? तो आपको बोलती हूँ, सही है, मैं बोल देती हूँ, मना करती हूँ, ठीक है, मैं नहीं कर रही, ठीक है, फिर कौन पूरा करेगा? क्या मतलब? झाड़ू पोछा से तुम्हारी खाना नहीं मिलता था तुम्हें? चलो सही है, आपके कहने पे आए तो नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी तुम रो रही हो, तुम्हें हमने रंगे हाथों पकड़ा है ना कि तुम कारोबार कर रही थी, तो अभी ये रोना धोना क्यों मचाया हुआ है? क्या तुम नदामत है, तुम्हें अफसोस है? नदामत है, अफसोस है, बहुत अफसोस है। क्यों है अफसोस? अफसोस इसलिए कि मैं ऐसा काम वो नहीं करती जा सोच रही हूँ, मैं वो नहीं करती। सब इन जो इधर जगह थी ना सोजा बाजार में, वो बंद हो गई। हाँ। वो मुकम्मल बंद हो गई, तो सब इधर उधर घूमने लगे, सब इधर ही काम करते हैं खड़े होकर रोड पे। तो इनफरादी तौर पे सब अपना अपना कारोबार कर रही हैं यहाँ पे। तो आप लोग किसी को प्रॉफिट वगैरह देते हैं, मतलब मुनाफा देते हैं हर महीने का? किसी को नहीं। अच्छा जो वो एक अरसे से कर रही है तो वो क्या गैंग है उनके पीछे? नहीं नहीं, वो लोग भी ऐसे खड़े होके यहीं पे खड़े होके काम करते हैं। अच्छा तो ये जो आप काम कर रही हैं ये सेफ काम है, सिक्योरिटी है, इसमें कोई तहफ्फुज है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। कितना बड़ा रिस्क है, एक तो इज्जत तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ऊपर से आपके जानो माल का खतरा, कुछ भी नहीं है। तो क्यों करते हैं फिर आप लोग ये काम? फिर आपसे ये बोलूंगी ना, अगर बंगलों में भी इंसान काम करता है तो वहाँ पर भी यही होता है। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आप कितने अरसे से इस कारोबार में? 2 महीने बोल रही हूँ। 2 महीने। उससे पहले क्या करती थी? झाड़ू पोछा करती थी घर में, वहाँ पर भी यही होता था। क्या होता था? कोई कल चला जाए, मालिक चले जाए, फिर वहाँ पे खड़े हो जाते थे आके। कौन आ जाता था? बंदे आ जाते थे, लड़के आ जाते थे कि ऐसे करना वैसे करना है। एक दो मरला बहुत कोशिश की, इधर ही बंगलों में काम करती थी, छोड़ दिया वहाँ से। तो बंगले वालों को नहीं पता होता था कि हमारे घर की नौकरानी के साथ ही हो रहा है? कोई बोलेगा। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि ये जो आपके कारोबार के अंदर लड़कियाँ या औरतें हैं तो वो क्यों आ जाती हैं, और क्या इनमें लड़कियाँ भी छोटी शामिल होती हैं, या आप जैसी औरतें हैं वो अपनी बच्चियों को भी साथ लगा लेती हैं, क्या होता है, क्या चक्कर है ये? नहीं बच्चियाँ नहीं होती, किसी की भी कोई बच्ची नहीं है। आप लोग जो ये अपने कस्टमर्स होते हैं उनको बिठा के कहाँ लेके जाती हैं? कौन से कस्टमर? ये जिनको जो बाइकें रुकती हैं, जो लोग आपको बिठा के लेके जाते हैं, वो कहाँ लेके जाती हैं उनको आप? सिर्फ ज्यादातर लोग होटल जाते हैं। कौन से होटल की सलाह देगा? यही वाला 7 डे। 7 डे वहाँ कितनी लड़कियाँ ये कारोबार कर रही हैं औरतें? वहाँ तो 100 अरसे से सुन रहे हैं, बुढ़ी बुढ़े हो गए लोग। तो आपने कभी, आप अपने घर कभी लेके जाती हैं? नहीं अपने घर नहीं, कभी भी नहीं। आप एक इज्जतदार जिंदगी गुजार? नहीं बेइज्जती वाली यार गुजार रहे हैं, क्या करना। तो वो जो रिक्शे वाले होते हैं वो आप लोगों के साथ रिक्शे वाले होते हैं? कोई रिक्शे वाला नहीं, सिर्फ पैसे से मतलब है, फिर आ रहे। और पुलिस? ना पुलिस, पुलिस भी नहीं, पुलिस हमसे नहीं कुछ बोलती, हमें कुत्तों की तरह झाड़ के भगाती है बस, और कुछ भी नहीं है। तो आप लोग भाग जाते हैं? चले जाते हैं, क्या करें, फिर दोबारा आ जाते हैं, फिर आगे खड़े जाते हैं दोबारा। नाज़रीन इन्होंने हमें ये बताया है कि ये एक होटल है जो कि यहीं मेन रोड पे ही है, करीब है कायद के मज़ार से। तो ये लोग वहाँ उस होटल पे लेकर आते हैं अपने कस्टमर्स को, और जो भी है कार्रवाई यहाँ पे होती है, ये जो बराबर में हमारे होटल है और उसके अंदर एक ही कमरा है। पहला हम नीचे चल जाओ, वो कुर्सी टेबल है और वो सब एक ही कमरे में जाके ये काम करते हैं? नहीं पहले आप नीपियर चल चलो, दे दूर है यार, फिर आ जाना यहाँ पर। तो इसके ऊपर घर बना हुआ है पूरा? घर भी है और आगे भी है। तो आप ये जो कस्टमर होते हैं ये फिर ऊपर जाते हैं? हाँ। तो लोगों को पता है यहाँ के इलाके के ये यहाँ होता है? सबको पता है। तो इस तरह और घर है यहाँ पे? बस यही पता है मुझे, ये वाला एक घर आपको पता है? आपको ये वाला घर किसने बताया था? किसी ने, वहाँ की कोई औरत आई थी। और कौन कौन से अड्डे इस, मतलब बताती हूँ, आप वहीं से है क्या? वहीं से नहीं हूँ, पहले उधर ही चले जाते थे लेकर ना, लोगों को बंद हो गई जगह। तो उसके अंडर बहुत सारी लड़कियाँ थी? बहुत सारी बेचारी लड़कियाँ आती थी, पैसे भी उनको कितने देती थी, 200-200 रुपए। कितने अरसे से वो काम कर रही है नूरी? पता नहीं, वो तो सुना है बहुत सदियों से कर रही है, एक अरसे से कर रही है, अब जवानी हो चुकी है, बुढ़ा बुढ़ापा आ गया। अच्छा तो कभी पुलिस वाले भी नहीं आए उसके अंडे पे? जाता बुनियादी तौर पर देखें, इसमें जो विक्टिम होती है एक खातून, बच्ची, लड़की होती है, तो अब इस पेशे से उसको क्या मिलता है और बीच में कौन से अवामिल शामिल हैं? तो ये जो भी इसकी रकम होती है या मनी होती है, ये डायरेक्ट उस बच्ची के पास नहीं होती। आप अगर फिल्मी अंदाज से भी सोचें तो बीच में कोई ना कोई किरदार होता है, चाहे वो खातून का हो या किसी मेल का हो। तो एक बुनियादी चीज़ ये है कि वो जो भी खातून या इसमें बच्ची शामिल होती है वो उसका
विक्टम तो वो खुद होती है, लेकिन इससे जो आमदनी होती है वो हिस्सों में बढ़ जाती है। यानी पाकिस्तानी माशरे में तो पुलिस से लेके बीच में बहुत से ऐसे ताकतवर लोग होते हैं जिनका इसमें हिस्सा या परसेंटेज होता है, तो जो इसके विक्टम का शिकार होती है। क्योंकि इस माशरे में मैं आपको बुनियादी बात बताऊं कि इसमें बहुत से बीमारियां शामिल हो जाती हैं, यानी बहुत सी खवातीन ऐसी होती हैं जिनमें HIV एड्स की बीमारी हो जाती है, या इसके अलावा बहुत सी ऐसी जो है वो जिंसी बीमारियां जिन्हें आप कहते हैं, या ब्लड रिलेटेड जितनी डिजीज़ हैं वो उसकी लड़की शिकार हो जाती है शुरू में उसकी। क्योंकि पाकिस्तान में वो अवेयरनेस मौजूद नहीं है, यहाँ पे इतना ज़्यादा टेबूज़ की वजह से आसानी से इस पर बात नहीं की जाती। यकीनन ये बात सही है कि उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, यकीनन गुर्बत से निकल के जब पहली दफ़ा पैसा उनके हाथ में आता है तो एक तायश की ज़िंदगी होती है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये अजाब की ज़िंदगी होती है। इसमें ये दुनिया भी ख़राब होती है, वो दुनिया भी ख़राब होती है, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि मैं नहीं समझता कि ये पेशा इसलिए अपनाया जाता है कि इससे एक अय्याशी की ज़िंदगी या एक पुरतायश ज़िंदगी गुजारी जाए। इसकी इब्तदा यकीनन मजबूरी से होती है, इसमें लोगों के माली मसाइल होते हैं, क्योंकि इस माशरे में इस पेशे से जो मुलविस लोग होते हैं, चाहे वो ख्वातीन हो या मेल हो, उन्हें एक इज्जत की निगाह से तो नहीं देखा जाता। बाकी कह देना कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है, मैं आपको जिम्मेदार आ रही हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ पुलिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। भाई इतना प्रोटोकॉल का मतलब लोगों को शक नहीं होता? पैसा लाएंगे लिए ला रहे हैं पुलिस को, वो पुलिस को पैसा लाएंगे लिए ला रहे हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची की सबसे बिज़ी और मशहूर जमजमा स्ट्रीट पे, जो कि मशहूर है, यहाँ पे शॉपिंग करने लोग दिनों और रात को आते हैं। और ये इस सवारी से भी मशहूर है जगह कि यहाँ पे जिस्म फरोशी का कारोबार करने वाली जो लड़कियाँ होती हैं वो यहाँ पे अक्सर व बेशतर खड़ी हुई नज़र आई हैं, और यहाँ पे बाकायदगी से बहुत खुलेआम ये यहाँ पे मौजूद होती हैं और अपना कारोबार चमकाती हैं। कभी कभी तो ये लड़कियाँ अपने घरों में चली जाती हैं इन कस्टमर्स को लेके, कभी कभी कस्टमर्स की गाड़ियों में ही ये गलत काम गलत फेल करती हैं। तो अभी हम गाड़ी के अंदर जाएंगे और इंतज़ार करेंगे कुछ ऐसे ही लड़कियों का और लोगों का जो कि इस कारोबार में मुलव्वस हैं और अपना कारोबार इस तरीके से चमका रहे हैं, और कुछ से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। आइए। जी मुझे ये बताओ कि कब से कारोबार कर रही है, मुझे बताओ कब से कर रही है ये कारोबार। जी कब से कर रही हो ये कारोबार? अभी हम लोग अभी आज 2 दिन पहले आए बस। आपको यहाँ लेके कौन आता है? अकेला है, कोई भी नहीं है। आप एक गाड़ी से उतरी हैं? खुद हमने लिफ्ट मांग के आई थी, आज होता है। सिर्फ हमें ये बताएं कि गाड़ी के अंदर कैसे काम हो जाता है, क्या कोई पुलिस का यहाँ गश्त नहीं होता, और लोग कैसे होते हैं जो अपनी गाड़ियों में इस तरह बुलवा लेते हैं? तो गाड़ी लेके आप लोग जाते कहाँ हैं? ये गाड़ी गली गली के अंदर ही, मेहरबानी। सुनसान गली में? जी आपकी बड़ी मेहरबानी। तो कितनी देर गाड़ी में रहते हैं आप लोग? 5-10 मिनट बस। मेहनत मजदूरी नहीं करनी आती? करती थी पहले, मैं लेग मशीन उसका घर पे काम करती थी, बंगले घर का ना मेरा डिफेक्शन में तकलीफ होती थी। मुझे बताएं फिर, कोई आपको रोकता नहीं है? कभी ऐसा नहीं हुआ आपके साथ कोई ऐसा वाकया कि कभी पुलिस ने आके रोका? पुलिस को देते हैं आप लोग पैसे? नहीं नहीं पैसे से नहीं। आपकी फैमिली है? जी। माँ बाप भी हैं? नहीं आपको नहीं। अम्मी है? बहन भाई हैं? जी। तो उनको पता है आप ये कारोबार करते हैं? इधर हम लोग इतना आते भी नहीं है, ये काम हम करते भी नहीं है ज्यादा। नाज़रीन, हमने इनको रंगे हाथों पकड़ा है, मतलब हमारे पास प्रूफ है कि ये लोग ये कारोबार कर रही हैं और ये खुलेआम कर रही हैं। पुलिस की पेट्रोलिंग भी हो रही है लेकिन वो भी इनका कुछ नहीं करती, और ये लोग बाकायदगी से गाड़ियों के अंदर ये सारा काम करती हैं, फुटपाथ पे खड़ी करते हैं ये लोग गाड़ियाँ और अंदरूनी गलियों में खड़ी करते हैं, और ये सारा काम हो रहा है। नाज़रीन, ये पूरी रोड के ऊपर इस तरह की लड़कियाँ फिर रही हैं जो कि जिस्म फरोशी का कारोबार कर रही हैं, तो हम उन्हीं की तलाश में, और अभी हम ढूंढ रहे हैं कि और हमें मिल जाएं। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हूँ मैं? आपको क्या लग रहा है? आप बताएं। शॉपिंग कर रही हूँ। और क्या कर रही हूँ? अच्छा, रोज़ शॉपिंग करने आती हैं? नहीं रोज़ तो नहीं आती। तो सब आपको पहचानते कैसे हैं यहाँ पे? कहाँ पे? यहाँ सब आपको पहचानते हैं। कौन पहचानता है मुझे? आपको कोई नहीं पहचानता?